हम राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पर इतने सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक मंजर है बट अच्छी बात यह है कि पिछली बार ना स्टॉक में मैं काफी बार गेम खेल चुका हूं तो मुझे आइडियाज हैं जैसे कि थॉमस ट्रेन है ये तो गुफा में छिपेगा मुझे लगता है और भाई ये देखिए मैन है और भाई साहब सोनिक सोनिक नाइन हंड्रेड लावा और टीवी रिमोट मैन है और

सब के सब छिप गए यार टोनी अब चल अपने पास पंद्रह मिनट है सबको ढूंढ निकालना है हमें ऑलरेडी right, दोस्तों इस बार हम बेस्ट टीम वर्क करेंगे हम ध्यान से कोना कोना छान मारेंगे और पता करके रहेंगे लोग कहाँ छिपे हुए हैं इतने सारे पेड़ पहले नहीं थे आ गए और भाई साहब ये सामने इतने सारे प्लेन्स फ्रैंकलिन ये मेरा घर है तो भूल गया शायद मुझे चप्पा चप्पा पता है मेरे घर का

आ, टोनी ने ढूंढ निकाला एक मिनट लिख यह थ्री हेड्रेड टीवी रिमोट मैन पेड़ में छिपा हुआ है क्या गाइस गाइस यू आर जीनियस अब मैं ढूंढ लूंगा रिमोटमेन को नहीं 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 टोनी के बच्चे ये ले मैंने उसे नीचे भी गिरा दिया क्या नहीं गाइस ने अभी नीचे गिराया एलिमिनेट नहीं किया है एक मिनट का अरे कहा गिराया है भाई वो ऊपर ही तो टंगा पड़ा है शायद गिर गया है वो ये रहा रहो शुक्र है टोनी इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया खैर दोस्तों शुक्रिया आपका बताने के लिए पेड़ में छिपा था निकल यहाँ से लेट्स गो गज यार अभी मेरा भी एक प्लेयर ये क्या चीज है अरे रेड रेड सा कुछ है कुछ तो है गाइज़ ये पक्का यहाँ तो जाल लगा पड़ा है मैं यहाँ से नहीं जा सकता नीचे से जाके देखते हैं शायद वहाँ पे दिख जाए अरे ये क्या है तो बहुत सारे टीवी हैं शायद टीवी में कोई रेड वेड सिग्नल चल रहा होगा मैंने सोचा कोई छिपा हुआ है वैसे कि अगर आपको लगे कोई छिपा हुआ है यहाँ पे तो कमेंट में जरूर लिखना आप लोग आ, बाकी पेड़ों में नहीं पेड़ में तो एक बंदा छिपा हुआ था टी वी रिमोट मैन वो हमने ढूंढ लिया और बंदे मुझे नहीं लगता छिपेंगे पेड़ वेड़ में हम इधर ही देख लेते हैं हाँ गाइस देखिए यहाँ का जो एरिया है और ये ग्रीन एंड किसी का तो है यार पर मैं कैसे पहुँचू यहाँ पर आ, अरे मार दिया मजा बचा पापा क्या जोर से मारा है भाई साहब कोई पक्का गाइस छिपा हुआ है जो मेरे को मारा है बड़ी जोर से भाई अच्छा वाला पीट दिया मुझे तो नहीं 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 नहीं, नहीं गाइज मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा एक काम करता हूँ ना यहाँ पर यहाँ पे अरे गाइस अगर ये ब्लू बोर्ड के ऊपर मैं चढ़ जाऊँ तो पक्का कोई मुझे दिखेगा यहाँ पर पर ब्लू बोर्ड पर चढ़ने के लिए मुझे एक सी चाहिए एक काम करते हैं दोस्तों अगर आपको कोई दिख रहा है यहाँ पर तो प्लीज़ कॉमेंट में आप जरूर उसका नाम लिखना आप मेरे टीम हो मेरे साथ हो तो मुझे जरूर जितवाना क्योंकि मैं इस बार हारना अफोर्ड नहीं कर सकता बाकी मैं सी डी ढूंढ के लाता हूँ वहाँ पे चढ़ने के लिए तो सही रहेगा अरे मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर मुझे पक्का लग रहा है वो जो प्लेन है गाइज उसमें कोई छिपा हुआ है क्योंकि फ्रेंड पर भी अटैक हुआ था इसलिए चलो भाई चलते हैं इतने बड़े बड़े जो ये प्लेन्स है

किसी ने भाई पूरी की पूरी बस उठा के मेरे हेड के ऊपर फेंकी है बच गया मेरा सर छोड़ूंगा नहीं कौन है इस बस में अरे बाप रे ये आया कहाँ से इतनी जोर से कहाँ लगी भाई क्या हो गया फ्रैंकलिन अरे कैसे परेशान है अरे टोनी कोई बस फेंक रहा है मेरे ऊपर अरे और बाप रे वो कौन है एक मिनट कोई तो है पक्का ऊपर से गाइस कोई फ्रैंकलिन के ऊपर बस फेंक रहा है वहाँ तक जाऊँ कैसे अरे हाँ जिस हेलीकॉप्टर से मैं प्लेन का पर्दाफाश किया था उसके पीछे ग्रीन एडवेंचर था इसी हेलीकॉप्टर से चलता मज़ा आएगा चल मेरे हेलीकॉप्टर मुझे लेके चल टोनी रुक जा मैं भी आ रहा हूँ अबे अबे फ्रेंड अबे उतार भाई तू यहाँ कहां से आ गया अरे भाई मेरे ऊपर बस फेंकी गई है मैं भी तो पता करूं कौन है वहां पर अबे यार ये तो मुसीबत हो गई अब तो या तो फ्रेंकलेन प्लेयर को एलिमिनेट करेगा या फिर मैं चलो अब देख लेते हैं मेरे पास एक आइडिया है फ्रैंकलिन को क्यों ना भाई साहब मैं ऊंचाई पे ले जाऊं वहादेडिंगा तो भाई मेरे पास पैराशूट नहीं है बट क्या दिक्कत हो गई मेरे पास बैकअप पैराशूट तो हमेशा रहता है हा, 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 जो मेरे सूट में हमेशा बिल्ट रहता है टोनी चीटिंग करी तो राइट और राइट राइट सेवन अवेंजर फ्रेंकलिन ढूंढ लिया एलिमिनेट कर दिया टोनी नहीं मैं उसको एलिमिनेट करूंगा आठ मिनट ही बची फ्रैंकलिन बचपना मत कर भाई यहाँ पर

आ, कभी कभी तो चल जाता है ऐसा चलो आगे जाके देखते हैं अब ये लोग कहाँ छिपे हुए हैं ऐसे बेचारा फ्रैंकलिन कहाँ पर गया और बाबरे हेलीकॉप्टर तो वहाँ पर टंगा पड़ा है आई थिंक फ्रैंकलिन हेलीकॉप्टर में से कूद ही नहीं पाया मुझे तो लग रहा है बेचारा फ्रैंकलिन गाइस टू को छोड़ूंगा नहीं भाई साहब मैं तो जंगल में गिर गया यहाँ पे फालतू में गाइस सात मिनट ही बचे हैं यार दो बंदे ढूंढे हैं मैंने यहां तो कोई नहीं छिपा हुआ अरे हाँ यहाँ पर गाइज वैसे सांप वाप भी रहते हैं भाई मैं नहीं जा रहा उस वाले एरिया में चलो मैं आपके कॉमेंट पढ़ लेता हूँ शायद कॉमेंट में कुछ लिख रहा हो एक मिनट फाइव हैड्रेड ब्लू चुप चुचा छिपा हुआ है ब्लू बोर्ड

के भी तीन ही प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं और मेरे भी तीन है मतलब वॉर में टक्कर पर ही चल रहे हैं कोई बात नहीं है हम तो यहां पर किसी ना किसी हालत में ही जाएंगे टोनी से अभी भी हमारे पास छह मिनट है एक काम करता हूं वो जो टोनी का प्ले एरिया है ना मैं उधर जाके देखता हूं शायद कोई मिल जाए अरे बापरे नीचे तो सीधा समुद्र है यहाँ पर कौन नहीं छिपा होगा प्ले ग्राउंड एरिया में गाइस गौर से देखिए यहाँ पर कोई भी हो सकता है ये वॉल पे हो सकता है या पिलर्स पे छिपा हो सकता है बाकी मैं नीचे की साइड देख रहा हूँ मुझे तो कोई दिखा नहीं आप को कोई दिखे तो प्लीज़ ज़रूर बताना वैसे यहाँ कौन छिप सकता है सिंचन नहीं सिंचन तो गेम खेल ही नहीं रहा है यहाँ पर गाइज हो सकता है ब्लू कैमरा मैन छिपा हो या फिर चुचू चाल छिपा हो या फिर थॉमस ट्रेन छिपा हो पता नहीं यार कोई भी हो सकता है बाकी एक मिनट ये, ये टेडी बियर रंग बिरंगा सा क्यों लग रहा है कोई गोली चला के देखें क्या आई थिंक गाइज को इसके अंदर छिपा हो तो वो गायब वो हो जाएगा वन टू ये ऐ गोली मारने से मिली गए शायद कोई ग्लिच होगा पता नहीं बट मुझे लगा गाइस टेडी के पीछे कोई छिपा हुआ है अगर आपको भी ऐसा लगा तो कमेंट में यस जरूर लिखना अब यार ये फ्रैंकलिन कहां घूम रहा है भाई मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है फ्रैंकलिन क्या कर रहा है अरे टोनी मुझे ऐसा लगा भाई उस पेड़ पर पे कोई है अब हट मैं ढूंढूंगा फिर अगर पेड़ पर पे कोई है टोनी ऐसे नहीं कर सकता भाई तू चीटिंग मुझे लग रहा है भाई पेड़ पर कोई है वो भागना चाहे भाई मुझे मारने दे फ्रैंकलिन अगर ऐसा है तो भाई मैं उसको ढूंढूंगा और मैं उसको पकड़ के मारूंगा पेड़ का सही एंगल कहाँ मिलेगा मुझे अरे बाप रे पेड़ के चक्कर में अरे वो क्या? पर तो गाइज मुझे कोई मिला नहीं बट पेड़ को ढूंढने के चक्कर में पर मुझे मिल गया फादर बेबी uh, और अभी टोटल मैंने चार प्लेयर कर दिए हैं फ्रैंकलिन है तो इतना तीन पे ही पड़ा है वो तो पक्का गाइज बुरा वाला हारने वाला है और मेरे को मिलेगा रेड बड़ा वाला बॉक्स बट चार मिनट बची हैं भाई अभी भी चार पांच लोग ढूंढना है गाइज मुझे पक्का लगा यार इस पेड़ पे कोई है अगर आपको कोई दिख रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना समझ नहीं आ रहा यार पेड़

मैंने गैस किया ही था वैसे तो मैंने बहुत सारे गैस किए थे बट आप मेरे साथ है है तो भाई मुझे किस बात का डर एक मिनट ये रहा भाई ब्लू right, रुक जा मैं आ रहा हूँ अरे इससे पहले मैं ढूंढ निकाल लेट्स को अभी देखिए मैंने भी टोटल चार प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया टोनी ने भी यार टक्कर का मुकाबला चल रहा है इस देखिए अब समझ नहीं आ रहा भाई आने वाले बंदो कौन ढूंढे कैसे ढूंढेगा यार तू फिर से मेरे लेवल पे आ गया कोई बात नहीं बच्चे तुझे हरा के तो मैं रहूंगा किसने मारा टोनी मुझे लगता है ऊपर अभी भी कुछ अबे ऊपर सेवन अवेंजर फ्रेंड उसको तो मैंने ढूंढ लिया और कौन हो सकता है फिर किसने मारा अजीब बात है यार बड़ी जोर से पड़ी है भाई मेरे सर पे पूरी शक्ल काली हो गई मेरी पहले कौन सा गोरा था तो टोनी के बच्चे थे छोड़ूंगा नहीं मजाक उड़ाया तो मेरा एक मिनट यार ये क्या

ढूंढ तो नहीं, नहीं लिया लेट्स को। अरे भाई मुझे आ एक मिनट मिन के अंदर हमें वो लास्ट बंदे को ढूंढना है पता नहीं यार कहाँ छिपा हुआ है मैं तो हर जगह गोलिया चला रहा हूं अब गोलियां बर्बाद मत कर मुझे लगता है झाड़ी में कोई छिपा हुआ है मुझे लगता है लास्ट बंदा जो हवा में है ना मतलब आसमान में है पक्का वो हम पे अटैक कर रहा है बहुत सही कही तूने ने आप ऊपर की तरफ नजर रखो ये

कमेंट में लिखा है फाइव हंड्रेड गोल्डन सारे हल्क उस टंकी के टावर के पीछे ऊपर छिपा हुआ है अच्छा वो जो गोल गोल टावर है इधर जहां टोनी का हेलीपैड खड़ा मतलब हेलीपैड है अच्छा अबे फ्रैंकलिन क्या हो गया कुछ नहीं बस मैं तो देख रहा था वो चार सेकेंड अरे अरे, अरे, मुझे यार मैं लास्ट में यही खड़ा था भाई मुझे तो वो दिखा नहीं दिखा तो मुझे भी नहीं था लेकिन भाई मेरे दोस्तों ने कॉमेंट पढ़ के मेरी मदद कर दी अब मुझे भी कॉमेंट पढ़नी चाहिए थी मैंने टोटल थे प्लेयर्स को एलिमिनेट करा और टोनी ने पांच को करा मतलब जीत इसमें चलो सबसे पहले टोनी को सजा दी जाए टोनी उस पोर्टल को जा और जाके छो अब मैं, मैं ही छोंगा ले भाई पोर्टल में से कौन आया तेरे लिए हम मारने वाले को सजा देंगे बिल्कुल सही कहा हम मारने वाले को मार देंगे बिल्कुल सही कहा ये दे नाइ अबे माफ कर दो मुझे भाई अबे गलती से हार गया मैं आज के बाद कभी नहीं हारूंगा ऑलराइट गाइस अपना गिफ्ट तो खोले बड़ा वाला डायमंड मिलेगा कि गॉड उरे बाप रे थ्री हेडेड रेड सन गॉड है भाई टोनी को देखिए पांच डायमंड मिला छोटे छोटे पर मुझे तो थ्री हेडेड रेड सन गॉड का सूट मिल गया जिसकी कोई कीमत ही नहीं आज अगर आप चाहते हैं इस तरह के मैचेस और खेलें तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो भी देख लीजिए थैंक यू सो मच है